गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, बच्चे को दूध भी पिला लिया है। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो गाइज, आ चुकी हूँ मैं मंदिर में। तो गाइज, आप कर लेते हैं पूजा। गाइज, ये है मंदिर, यहाँ दिया जला हुआ है। मम्मी जी ने अभी पूजा करके अभी गई है मम्मी जी बाहर, देवताओं को भी नहला लिया है, तो मैं भी कर लेती हूँ पूजा। तो गाइस, अभी कर ली है पूजा। यह है हमारा मंदिर वाला रूम और यह हमारा ढोलक। जब हम भजन कीर्तन नवरात्रि व्रत व्रत कुछ हो तो हम इसे बजाते हैं। अब तो गाइस, अब चलते हैं किचन की ओर। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में। गाइस, ये बन चुकी है हमारी दाल और यहाँ मैंने चढ़ाई हुई है गैस में चाय। तो गाइस, आप चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। दाल बनने के बाद मैंने इंडक्शन पे पानी चढ़ाया हुआ था, पानी भी उबल चुका है। अब इसी पानी से मैंने चावल चढ़ाने हैं ताकि जल्दी खाना बन जाए। और ये है मेरी थाली, इसमें रोटी, सब्जी, एक करेले की सब्जी है और ये रस वाली सब्जी है। तो गाइस, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं दिन के 12 और मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ धूप में बच्चे को भी लेके। एक तो बच्चे को सर्दी लगी है, सुबह से ही अंदर ही था, तो अभी इसे भी थोड़ा धूप सिखाती हूँ और मैं भी सेक लेती हूँ। इसके थोड़ा कपड़े भी चेंज करने हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, अभी आ चुके हैं मंदिर और कमरे में भी अच्छी खासी धूप आ रही है, बाहर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बाहर तो धूप तो है काफ़ी तेज़ है, सर दर्द भी हो रहा था, तो अंदर अच्छा लग रहा है, धूप भी सेक रहे हैं और काम भी हो जा रहा है। और ये गुन्नू, गुन्नू आ, हेलो बोलो गुन्नू, हेलो बोलो, सबको बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोलो, मुझसे बोलो बाय। बस गुन्नू को दूध चाहिए, तो ठीक है गाय जी से दूध देते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और पीछे गुन्नू के पापा काम कर रहे हैं अपना, 10 से 8 की वर्किंग टाइमिंग होती है। सुबह 10 बजे से पहले फ्री रहते हैं और रात को 8 बजे के बाद फ्री रहते हैं। वो तो ये अच्छा है कि इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अदरवाइज़ तो ये चले जाते तो हम घर में और भी बोर हो जाते, क्योंकि बच्चे के साथ तो दो लोग चाहिए ही होते हैं। वैसे घर में तो मम्मी पापा सब लोग हुए, लेकिन ये है कि बच्चा फिर भी ना मम्मी पापा को ज़्यादा ढूंढता है, जब थक जाए, भूख लग जाए, रोए, उस टाइम पर मम्मी पापा को ही ढूंढता है। तो और गुन्नू सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से ही करता है, मुझसे भी ज़्यादा प्यार। मुझे सिर्फ जब भूख लगती है गुन्नू को या सुलाना होता है तभी मेरे पास आता है। वैसे सोने के लिए भी अपने पापा की गोद ढूंढता है, पर जब इसे दूध पीना होता है और भूख लगती है तो यही है मुझे ढूंढता है। वरना हर टाइम गुन्नू मम्मा कभी नहीं बोलता, बहुत रेयर मम्मा बोलता है, वरना पापा ही, हमेशा पापा ही बोलता है। तो ठीक है, फिर गुन्नू को सुला लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। गुन्नू भी बाय बोल रहा है, बाय बोलो बेटू, प्यारी कर दो सबको, नखरे कर दो थोड़ा सा, मेरे को क्यों नखरे करने में गुन्नू अपने आईज को ब्लिंक करता है। बता दो शेर कैसे करता है बेटू, और बिल्ली, बिल्ली कैसे करती है, बिल्ली, बिल्ली कैसे करती है, नहीं बस अब शेर ही बना, बिल्ली बता दो कैसे करती है। हाँ म्याओ म्याओ, चलो ठीक है। आपकी नोजी कहाँ है बता दो, नोजी, और आईज कहाँ है, आईज कहाँ है, आई, ये मेरी आईज मांग रहा है, अपनी आईज का नहीं पता है आपकी, अपनी भी आईज है। ठीक है बाय कर दो, कैरी कर दो एक, ठीक है गाइस बाय। तो गाइस, अभी बन रही है मेरी चाय, पापा को दे दिया ब्लैक टी और अपने लिए भी निकाल लिए और हस्बैंड जी के लिए भी निकाल लिए, क्योंकि हम कम मीठा पीते हैं, ये मम्मी और दादा के लिए ज़्यादा मीठे वाली बन रही है। तो गाइस, अभी बज चुके हैं 5:30 और अब चलते हैं किचन की ओर। तो आज हमारा बन रहा है खाने में पहाड़ी, पहाड़ी सब्जी, गडेरी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आज बन रहा है हमारी गडेरी की सब्जी। तो मैंने उबाली है गडेरी और इसमें पीसा है मैंने भांग, उसमें लहसुन और हरी मिर्च। तो गाइस, अब बनाते हैं सब्जी।
तो गाइस हमारी कटेरी की सब्जी बन चुकी है। पकने के बाद ऐसा कलर आया है सब्जी का। तो रोटी भाभी ने बना ली है, तो अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 10 और हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम आ गए हैं अपने बेड पे। तो गाइस वैसे तो अभी गुन्नू की मालिश करने का टाइम था, लेकिन गुन्नू को आज कोल्ड हुआ है तो उसकी मालिश नहीं कर पाऊँगी। अब देखो उसका कोल्ड अगर कल ठीक होगा तो कल करूँगी, अदरवाइज जब ठीक होगा तब करूँगी। तो गाइस ठीक है, अब सोने का टाइम हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मैं भानु मिलती हूँ आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।